से ट्रेवल बैंक भी आ रहे हैं, नसीम उस्मानी एंड कंपनी, बिल्कुल तैयार है। लंबा ग्रास बाल समी और ये ठेंगा कोशिश जरूर की डिफेंडर है, लेकिन बाल कंट्रोल से वहां सुरक्षित भी कोर्स रहा। एडवांटेज टू मिर्जा अली बेग अफ्रिया इब्राहिमपुर डिफेंडेड बाई सैफुल्ला, हल्का ब्रेस में जैस सैफुल्ला ने सर्विस को नाम किया जीरो पहला से काफी चश्मा बिल्कुल कांटे की टक्कर के बाद 17-15 से अपनी याद रखना दूसरे के लिए इच्छा हो रही है। बहुत मनोबल इसमें सिंह सर्विस रखने कांटे आसान सचिन मिला अपनी यहां सर्विस है डिफेंडर में अब रही भरपूर इस्तेमाल किया बिलाल जामई ने भरपूर फायदा लिया अक्रम ने 116 अक्रम का सर्विस परिणाम किया 1-0 आरिस नगरामा बंद बंद है अपनी गाड़ी के पास पहुंचे जीरो सर्विस ने मिर्जा अली बेग अफ्रिया इब्राहिमपुर एक शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ इस सर्विस से चुराने में कामयाब बिलाल जामई सर्विस ऑन पर मोहम्मद उमर अरे जाना घर में सिंदूर गा रहे हैं मोटी भाई बतावा थे बोले अच्छी सर्विस लाजवाब पास और ये लेफ्ट हैंडर सर्विस चुराने में कामयाब 1-0 अमान अच्छी खेल का प्रदर्शन करते हुए अच्छी सर्विस सही पास ने अब्दुल रहीम टू बिलाल जामई और सूरत डिफेंस लेकिन सारे खेल का एक मेहनत पर पानी फेर दिया अमान अहमद ने कमेटी गोद ले गए समझे यही रहे का फाइनल क्या बचा देंगे बिल्कुल तैयार रखें 1-0 सर्विस है मिर्जा अफ्रिया इब्राहिम अली अफ्रिया इब्राहिमपुर ये तमाम नौनिहाल वॉलीबॉल के सितारे दोनों टीम ने अपने हक का मुजाहरा करते हुए बिलाल जामई अंडर में ट्राई करते हुए पॉइंट प्रीति के बाद और मिलता हुआ अफ्रिया इब्राहिमपुर को 2-0 समान विराल ने फिर विराल जामई दिमाग श्री अब्दुल रही विराल जामई लंबा ग्राम इस बार अपने मकसद में कामयाब 0-2 की स्कोर पर एक बार फिर सर्विस पर कब्जा होता हुआ बाल सॉरी और ये लेफ्ट हैंडर अमान खूबसूरत हाथ देकर सर्विस को बेनाम किया 2-0 पहले सेमीफाइनल के लिए फर्स्ट सेमीफाइनल के बिल्कुल तैयार थे ट्रेवल पैक थ्री आ रहे हैं नसीम उस्मानी एंड कंपनी बिना बारा अल हुमैरा गारमेंट्स रायनी रेस एंड कंपनी बिल्कुल तैयार रखे अब ना रुकी बारिश किया अब आई बारिश बहुत हो गया बारिश
अरे हे हेरी क्यों ना हल्का हे गबो खाई जा बस और ये यहां लंबा है कोई बच्चा भाई ये मार रहा है 2 किलोमीटर और डॉक्टर साहब यहां है अबे तो वाला पूरा भाई 4-0 एक और किसी में 5-0 5-0 एयरमैन दूसरा अस्कर बिल्कुल बन सके अबे यार सर्विस चेंज 0-5 के स्कोर पे फिलहाल जाने ही सर्विस करने के लिए आए कोर्ट सर्विस दिया अच्छा पास किया गया काउंटर को लगाएगा कि अंडर ने ट्राई कर रहा है अक्रम स्कोर का आगाज किया है रीना पारा फिलहाल एंड कंपनी 1-5 दूसरा सेट जारी है ट्रॉमिन का पहला सेमीफाइनल रॉयल फैक्ट्री आलैंड बिना पारा बनाम अल्हमेरा गारमेंट सरामील दोनों टीम बिल्कुल तैयार है ये रैया को ट्रीटमेंट किया गया वहां पे फिर हमें आ जा रहा मोहसिन को तो दो क्यों मिले कामयाब है मोहसिन के इस खेल में एक पॉइंट अर्जित करने में कामयाब है 6-1 छह का स्कोर ये आप एक क्वार्टर चल रहा है इसके बाद सेमी होंगे अब इसके बाद दो सेमी फाइनल एक फाइनल बचा हुआ है और लूर का तड़का हो चुका है ये फिलहाल जामे पट्टवे वन मोर पॉइंट टेकन बाय अबिया इब्राहिम गोल मिर्जा अली कलब 7-1 7-1 का स्कोर है और ये सर्वर की बड़ी उम्दा सर्विस थी बट अबे प्रियसा ने कहा सर्विस चेंज जो कि मिल रही है यहाँ पे बिना पारा फिलहाल एक कंपनी को YFC ग्राउंड पे आज ये बेहतरीन मुकाबला दर्ज चला और अब टीम में भी ये प्रवेश कर चुका है एक मरतबा और पहला बहुत खूबसूरती के साथ अपने गेम को शो कर रहे हैं सितर बड़ा प्यार है अपने काउंटर देकर या अपने स्पेशल को बिल्कुल ओपन लॉक करवा रहा है लगातार सामने के स्कोर पे मिर्जा अली अपनी जो कहीं दूर भेज दिया है और लगातार उनकी टीम जुड़ गई 8-1 8-1 का स्कोर है प्रभु भी अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा उम्र का पास शार्ट के लेकिन कूद करने फिट किया गया है और हल्का सा लेकिन फिर वहां पे दिशा ने संभाला है जामे इतना जामे इस मरतबा जना को दिख रहे थे हल्का सा अपने हाथ को खींचा और सब इसको चेंज करने में कामयाब बिल्कुल तैयार है और ट्रेवल फैक्ट्री भी ना पड़ा एक निजी पॉइंट यहाँ पे लाने जा रही का 3-8 का स्कोर है दूसरा सेट चल रहा है पहला सेट जीता है यहाँ पे मिर्जा अली करो अब्दी है रहीमपुर एक और दीर्घ सर्विस को के पास बैंक से है लेकिन संभाल लिया गया वहां पर अच्छा रिबाउंस किया गया था फिर एक काउंटर का देख रहा है लेकिन फिर गेंद संभालने की कोई कोशिश और लंबा प्रयास किया मोहम्मद उमर नतीजा ये हुआ है और पार नहीं जाएगी 4-8 लगातार उमर उस भाने से है जहां पे खेल को हमेशा खेला गया है 4-8 के स्कोर पे उमदा सर्विस थी बिल्कुल सही पास नहीं मारे बाल एक और पॉइंट 5-8 टाइम आउट किया गया यहाँ पे मैंने कहा आप मिर्जा अली अब यहाँ पे सर्विस पे तैयार है सर्वर 5-8 के स्कोर पे 5-8 के स्कोर और फिर यहाँ पे काउंटर को आ पाए लेकिन अंपायर दिल का आक्रम ने चार्ज किए एक और पॉइंट 6-1 तो अभी भाई मैंने कहा शाम से इस मुकाबले को देख रहे हैं और अभी तक पूरा वक्त दिया इस टूर्नामेंट के लिए उनका भी शुक्रिया एक अच्छे अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पे और अभी इसके बाद मुकाबले बहुत खूबसूरत होने वाले हैं जो पहले से ही फाइनल होगा उसमें ये कहता था मछली कौन सी टीम जीतेगी क्योंकि अल्हमेरा गारमेंट और ट्रेवल फैक्ट्री दोनों में एक से बढ़ के एक सितारे हैं स्टार खिलाड़ी हैं और वहां पे उमर हल्का सा काम जरूर किया था खिलाड़ी और यहाँ लेकिन कामयाब नहीं होने दिया वहां पे आया जा रहा है काउंटर आया बेहतरीन पहाड़ किया सर्विस के साथ एक पॉइंट अर्जित किया 9-6 पहले से जीता है यहाँ पे मिर्जा अली स्पोर्ट क्लब अपनी है गाहीपुर दूसरे सेट में 3 पॉइंट की लीड दे रखी है क्या कहेंगे और दर्शक काफी अच्छे हैं शाम से जमे हुए यहाँ पे हैं एक ओम का सर्विस थी सही पास और ये भाई यहाँ लेकर टू का डिफेंड किया गया और ये अमन अपने मिशन में कामयाब रहे और पॉइंट अर्जित करने में 10-6 10-6 का स्कोर है बहुत सारे मेहमान यहाँ पे आए इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हैं अपने गांव आके जमीर ये तमाम लोग आराम खुलासा कर रहे हैं राघिब कि अब यहाँ से बीड़ा उठाना होगा रेफरशिप के लिए अगले मुकाबले में राघिब या जमीर दोनों तैयार होंगे और ये बहुत प्यारा मुकाबला होगा 6-10 का स्कोर है
वाईएमसी मंजिल पट्टी यंग मुस्लिम क्लब मंजिल पट्टी का ये ग्राउंड आपका आज वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि आप इस पंडाल में आए। बहुत दिनों के बाद इस ग्राउंड को मुकाबला देखा गया और बड़ा अच्छा रहा। एक मतलब फिर यहाँ पे आते गए कि ये बच्चे बिल्कुल नए नौजवान है। उम्र अभी बच्चों की एवरेज उम्र निकाली जाए तो 19 साल होगी। अगर तमाम बच्चों की उम्र का एवरेज निकाला जाए तो 19 साल के बच्चे होंगे। और अच्छा गेम शो किया है ये बता रहे हैं कि ये मेहनतकश हैं, मेहनत करते रह रहा है, अनवर्किंग कर रहे हैं और अपने खेलते लोगों का दिल जीत रहे हैं। एक और अमृतसर व्यक्ति सही तरीके से यहाँ पे आते हैं फिलहाल जा रहे, लेकिन वहां पर बोलते डिफेंड किया गया किसको आपाएंगे अगर हमको हल्का सा लगे एहसास कर दिए जाएंगे। तो मैंने कहा आपके डॉक्टर आरिफ साहब आई आपका वेलकम है, जो दुनिया वाली बाल का बहुत ही प्यारा नाम, एक बेहतरीन वॉलीबॉल के प्लेयर और आज पैसे से मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को, उनका वेलकम कर रहा हूँ। ये कहीं भी वॉलीबॉल का खेल होता है वहाँ देखे जाते हैं। आरिफ भाई आपका शुक्रिया डॉक्टर आरिफ साहब यहाँ पर। और ये यहाँ पे 10-6 का स्कोर है और बेहतरीन ये खेल आपके सामने चला है। इस खेल में क्या किया है दो टीम किस मौसम में गेम को शो करेगी, सोच समझ के ये खेल खेलना होगा दोनों टीम को। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी 6-10 के स्कोर पे एल्सा अली में इतमान से बैठे अपनी टीम के परफॉर्म को देख रहे हैं कि मैं भी आगे हूँ। और फिर मुर्तबाद में ब्लॉक पॉइंट भी जाएगा 7-10 7-10 बन रहा है। दिल की धड़कन बढ़ रही होगी मिर्जा अली बेग अभिया इब्राहिम पुल के 7-10 का स्कोर है। एक लहराती हुई सभी टीम को तो पास किया गया। ये काउंटर वंस अगेन अंडर नेट ड्राई 1 more point एंड अगेन 10 कंसेप्टिव सर्विस का बिना सर्विस का नहीं पाए 2 लगातार पॉइंट अर्जित किया है 8-2। एक बतवा फिर अमन को हल्का सा ड्रॉप किया था लेकिन वहां पे शाह मौजूद थे संभाल लिया और बिलाने जाने लंबा ड्रॉप किया था लेकिन फिर यहां पे संभाले गए क्रॉस करना चाहा फिर इसको ओवर संभाल रहे हैं लेकिन सही तरह से नहीं संभाल पाए। और ये बिलाने जाने उसका डिफेंड किया गया वहां पे खड़े ताली के द्वारा और ये आक्रम इस बार तबाह में समझे उंगली का गया अभी सभी चैन के शक्ल में 10-6 के स्कोर पे डॉक्टर आरिफ साहब आपका शुक्रिया कि हाजिर हो चुके इस समय में और बेहतरीन अपने वक्त के बेहतरीन वॉलीबॉल के सरकार और वॉलीबॉल से मोहब्बत करने वाला ये नाम मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और किस मर्तबा काउंटर अटैक कर लाई जा रही अपने काम को अंजाम दिया सर्विस को चेंज किया अपने खोई हुई चेन को वापस लिया है। इसके बाद होगा सेमीफाइनल सेमीफाइनल अल हमारा गारमेंट और ट्रेवल फैक्ट्री मीना पारा बिल्कुल तैयार है ट्रेवल फैक्ट्री ऑनलाइन मीना पारा 5-6 किया उमर संभाल रहे हैं और ये मिलाई जा रही लंबा क्रॉस करना चाहा और ये एक बेहतरीन ये खेल लेकिन वेल कॉट नाउ 1 more point 9-10 अब फासला सिमट रहा है 9-10 का स्कोर है। अब बिना इब्राहिमपुर नाम डॉक्टर आरिफ साहब की तरफ से आया है जो टीम जीतेगी 200 के नाम और ये बेहतरीन बात किया गया है यहाँ से रहा। अब दोनों टीम का स्कोर बराबर 10 बराबर हो चुका है 10 बराबर क्या करेंगे क्या आगे बढ़ेगा। अब मिर्जा अली की बेचैनी हो रही है जीतने वाली टीम को 200 रुपए के नाम डॉक्टर आरिफ साहब बिना पारा एक अच्छी सर्विस थी और वहां पे सर्विस चेंज कराने में कामयाब हुए। सिद्धू ने देखा कि हमारे जो स्पेशल है वो काम नहीं कर पा रहा है कुछ हल्के से करके अपने सर्विस को चेंज कराने में कामयाब हुए। एक और मौका सर्विस जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर्विस मैन की निजी पॉइंट 11-10 11-10 पहला सेट जीता है अपना ग्राहीपुर और इस सेट में अभी पॉइंट के लिए दिया था ओपन ने संभाला और ये लंबा स्पेस का मैच है एक और पॉइंट 12-10 यहां से गलती करोगे तो काम बिगड़ जाएगा रहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा 12-10 का स्कोर है और फिर 2 पॉइंट के लिए चुके हैं और फिर यहां पे कोकर बचाओ तो ये मिर्जा अली देख सर मैं लिख रहा हूँ कि ये बताया कि हाँ तालीम हमें मिली है अपने बड़ों से सम्मान करने का। ये कजिन है मिर्जा अली बेग और डॉक्टर आरिफ साहब ये दोनों कजिन है बेहतरीन मैं लिख रहा हूँ ये खेल आपके सामने चला है और ये टच आउट में कामयाब हुए सेमीफाइनल रोज होगा उसमें पहला सेमीफाइनल ट्रेवल फैक्ट्री आलैन बिना पारा वर्सेस अल हुमैरा गारमेंट सरानील बहुत अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पे फिर वहां पे अच्छा काम किया गया एक और पॉइंट 13-10 13-10 का स्कोर है। मुश्किल में फंस रही है टीम बिलाल कलम बिना पारा
लेकिन कहा गया कि जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। और एक और खराब इसमें किया, चौथा और दस दूसरा टाइम आउट किया गया यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ ये टाइम आउट किया। इनाम जीतना जानती है मिसाली बेग की टीम और क्या कहेंगे, और शान गेंद जरूर थी लेकिन था पीछे रह गया डिफेंडर होना गोल्डन चांस बन रहा था। सर्विसेज 10-14 बिलाल जामे टू सर फ्रॉम बिना बारह की तरफ से सर्वर बिलाल जामे और अच्छा पास किया गया वहां पे शान गेंद थी और ये फिर मतलब छक्का के मारा है ये सर्विसेज कराने में कामयाब 14-10 के स्कोर पे। एक मतलब फिर मैच पॉइंट कैप्टन रेडी बिना पारा तो तमाम लोग मैं देख रहा हूँ जो सवेरे उठ चुके हैं अब इस मुकाबले के साथ जुड़ रहे हैं कि चलो इस खेल को देखा जाए कि YMCA के ग्राउंड पे किस तरह से खेल चल रहा है और बहुत अच्छा होगा। पहला सेमीफाइनल तो इतना हाई वोल्टेज होगा तो अपने आप को संभाल के रखिएगा, बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है जो दूसरा सेमीफाइनल होगा। सभी चीज 14-10 और क्या करेंगे ये बेहतरीन सर्विस अच्छा पास किया है उमर और उमर उसी घराने से है डॉक्टर आरिफ साहब के घराने से मोहम्मद उमर है कद छोटा है लेकिन एक अच्छा छोटा पाए नौजवान और उमर से मुकाबला जीतने में कामयाब रहा 15-10 से 2 लगातार से।